हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एयरटेल 5G ट्रेनिंग, ओके, विथ यूजिंग इरिक्सन हार्डवेयर। सो इन फ्यूचर में भी इस हार्डवेयर को यूज कर सकता है एयरटेल 5G के लिए, ठीक है। तो अगर आप टेलीकॉम में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर या न्यू इंजीनियर हैं या टेलीकॉम में आप काम कर रहे हैं, तो ये सब हार्डवेयर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एयरटेल में 5G आता है और ओपनिंग जब कंपनी में आती है, तो आप दूसरे कंपनी से स्विच करते हैं या आप एज ए फ्रेशर होकर आप टेलीकॉम सेक्टर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए ये सब हार्डवेयर को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो आपसे यही सब हार्डवेयर के बारे में पूछा जाएगा आपसे, और आपसे बेसिक नॉलेज आप मतलब पता किया जाएगा कि आपको कितना जानकारी है आपको, आई मीन 5G हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और हाँ, अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं हम लोग। तो दोस्त, ये देखिए EIR 3239 है, ठीक है। ये आपका जो है एरिक्सन का हार्डवेयर है, ठीक है। ये फर्स्ट सेक्टर है और ये सेकंड सेक्टर है, ठीक है। EIR का मतलब होता है एंटीना इंटीग्रेटेड रेडियो, ठीक है। इसको आप एंटीना बोल सकते हैं, ठीक है। और इस एंटीना का जो मॉडल नंबर है, ये है आपका EIR 3239, ठीक है। तो ये आपका है 5G का एंटीना। इस एंटीना को हम लोग 5G के लिए यूज किए जाते हैं, और ये एंटीना जो फ्रिक्वेंसी बैंड सपोर्ट करता है वो हाई बैंड करता है, 3500 टू 3037 तक ये सपोर्ट कर सकता है आपका। 3500 कर सकता है, 36 और 3700 भी ये करेगा, ठीक है। तो ये तीन बैंड जो है आपका ये सपोर्ट करता है आपका, और इसको आप 5G के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसका इंस्टॉलेशन का तरीका आप देख सकते हैं, इस तरह से आप जिस तरह से रेडियो को माउंट करते हैं, ठीक है, उस तरह से तो इसको माउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यस, जिस तरह आप एंटीना को माउंट करते हैं, कॉम्बो एंटीना को, उसी तरह से आप माउंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको जो है ब्रैकेट लगा के इसको जो है नट और बोल्ट को अच्छी तरह से आपको टाइट करना पड़ेगा। और AIR एंटीना में भी हम लोग मैकेनिकल टिल्ट देते हैं अकॉर्डिंग टू प्लान, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैकेनिकल टिल्ट ब्रैकेट इंस्टॉल किया हुआ है, ये टॉप पे है, इसमें भी देख सकते हैं टॉप पे है, ठीक है। लेकिन आपको H4 प्लान आपको बॉटम में भी इंस्टॉल कर सकता है, अगर किसी दूसरे साइड पे अगर ये 5G एंटीना इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं और आपको प्लान में दिया हुआ है कि आपको जो है ये जो टिल्ट ब्रैकेट है आपको बॉटम में इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो उस समय आपको बॉटम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ये फिक्स नहीं है, आप इसको H4 प्लान इंस्टॉल हम आज H4 प्लान आप इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो आप टॉप में कीजिए या बॉटम में कीजिए, बट प्लान में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका, जैसे मैंने बताया, ये जो आपका 5G एंटीना है, ठीक है, और ये इसका ज़्यादा वेट नहीं होता है, जितना रेडियो का वेट होता उतना उतना ही होता है, और ये इसका ईजी इंस्टॉलेशन होता है, आप इसको ईजी तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जब से आप अगर आप ये एंटीना को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आपको दो फाइबर मतलब आपको सीपीआरआई केबल बोलिए या ऑप्टिकल केबल बोलिए, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए आपका जो है ये Data 1 में जा रहा है, ये Data 2 में जा रहा है, तो यहाँ पे दो सीपीआरआई केबल है जो आपको एरिक्सन बेसमेंट 6630 से आएगा, और ये जो है आपका पावर केबल है, ठीक है, ये पावर कनेक्टर है, और यहाँ से ये जो है पावर यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस रेडियो में जम्फर केबल सपोर्ट नहीं करता है, ना तो RET केबल सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको दो फाइबर और पावर केबल कनेक्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्त। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 5G के लिए हम लोग GPS एंटीना भी इंस्टॉल करते हैं, तो ये आपका GPS एंटीना है, ठीक है, और ये जो है देखिए AR एंटीना है, इस तरफ से इस लोकेशन में ये देख रहा है, ठीक है, इसका जो शूटिंग डायरेक्शन है इस तरफ है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल टिल्ट जो है हम इंस्टॉल करते हैं एरिया, किस तरह से एरिया मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा जो एंटीना का हाइट है ज़्यादा है, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं एरिया है थोड़ा सा ये नीचे है, इसीलिए यहाँ पे हम मैकेनिकल टिल्ट दिए हैं कि इन फ्यूचर जो है हम इसको थोड़ा सा झुका भी सकते हैं, नहीं तो जीरो करके इस तरह से स्ट्रेट हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल टिल्ट है अभी जीरो है, क्योंकि ये देखिए पूरा जो है ये सटा हुआ है, ठीक है, ये पूरा क्लोज है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम दो और तीन करते तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है गैप यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंस्टॉल करना है, और ये GPS एंटीना है, जैसे मैंने बताया कि 5G अगर है साइड पे तो आपको GPS एंटीना इंस्टॉल करना पड़ेगा, 4G के लिए भी करते हैं बट 5G के लिए कंपलसरी है, ठीक है। और इसको GPS एंटीना को ग्राउंडिंग कीजिए, और ये जो आपका जो AR एंटीना है, ठीक है, AIR एंटीना 3239, इसको भी हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं,
ठीक है। तो इस तरह का हार्डवेयर को इन फ्यूचर जो है एयरटेल यूज कर सकता है इंडिया में भी। तो मैं सोचा कि आपको इस हार्डवेयर के बारे में बता दूं, ताकि आपको पहले से मालूम हो कि किस तरह का AIR एंटीना होता है और उसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो फाइबर केबल लेता है, दो ऑप्टिकल केबल, एक पावर केबल, इसमें कोई जम्फर और RET वगैरह सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, आप चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो है आपका AIR एंटीना है, ये कहाँ से कनेक्ट होता है, ठीक है, किस तरह के बेसमेंट से कनेक्ट होता है। तो देखिए दोस्त, ये जो है आपका एरिक्सन के बेसमेंट है 6630, ये 6630 है जो आपका 2G, 3G, 4G, 5G LTE भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो और एक्स्ट्रा जो ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पे तीन आई मीन बेसमेंट 6630 यूज किया गया है, दो आपका 4G के लिए यूज किया गया है और ये बॉटम वाला जो है आपका 5G के लिए यूज किया गया। ठीक है, तो आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस साइड पे बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है दो AIR एंटीना है, तो दो AIR एंटीना के लिए आपको 4 ऑप्टिकल केबल या सीपीडी केबल या फाइबर केबल बोल सकते हैं आपको लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी और डी पे ये कनेक्ट है। ठीक है, अगर ये तीन रहता है तो फिर ई और एफ पे कनेक्ट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही सेक्टर है, ठीक है, Data 1 और Data 2 में जा रहा है, ये Data 1 ये Data 2 में जा रहा है। ठीक है, ये ABCD, और ये देखिए जो है आपका जो LED है आपका ग्रीन में है, तो इस मतलब इस पर कोई भी अलार्म नहीं है, आपका प्रॉपर कनेक्शन है आपका AIR एंटीना के साथ। ठीक है, तो जब भी हम लोग 5G इंस्टॉल करते हैं साइट पे, तो इस तरह से हम लोग कनेक्शन करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, आपको इंटरव्यू में पूछ भी सकता है। ठीक है, और ये जो है बेसमेंट 6630 यूज करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं टोटल जो है 15 ऑप्टिकल पोर्ट्स है। ठीक है, और GPS केबल को यहाँ पे आपको सिंक करना है, और फिर ये जो है TNC, जो आपका TNC या TND जो केबल है, इसे जो है आपका दोनों जो 4G का बेसमेंट, इसको सिंक करना है 5G से। ठीक है, फिर 5G पे आपको जो है ये फाइबर, ये जो आपका मीडिया है, मीडिया केबल जिसको आप लोग बोलते हैं बैकहोल केबल, ये आपको 5G पे ही कनेक्ट करना है, ये नहीं कि आपको 4G पे कनेक्ट करना है, आपको 5G पे कनेक्ट करके फिर जो है आपको ये जो देख रहे हैं ये ट्रांसमिशन केबल है, इसे आपको सिंक कर देना है। ठीक है, तो आपका 4G से और 5G से ये आपको दोनों बेसमेंट को चला जाएगा। ठीक है, फिर एयरटेल केबल से आपको लूपिंग भी करना है, यहाँ से देख सकते हैं एयरटेल केबल से लूपिंग किया हुआ है, फिर इसको बेसमेंट को ग्राउंडिंग करना है, और इसके चार स्क्रू जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसके साथ ही इसको टाइट करना है और अच्छे से इसको रूट करना है। फाइबर केबल को कहीं बैंड नहीं होना चाहिए, अगर बैंड होगा तो ये इन फ्यूचर फॉल्टी भी हो सकता है, नहीं तो आपका डेटा और क्वालिटी में इफेक्ट कर सकता है, पुअर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है 5G को इंस्टॉल करते हैं साइट पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इन फ्यूचर अगर एयरटेल का 5G आता है तो यही सब हार्डवेयर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 5G का कॉन्फ़िगरेशन है आपका बेसमेंट 6630 प्लस AIR 3239। ठीक है, उसके बाद जो है आपको डिपेंड करता है कितने सेक्टर में आप चला रहे हैं AIR 3239, उसके अनुसार से आपको पावर केबल लगेगा, उसके अनुसार से आपको ऑप्टिकल केबल लगेगा, लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा एक AIR 3239 के लिए दो ऑप्टिकल केबल लगता है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर मैं आपको अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, ताकि उसमें भी और जानकारी मैं आपको दे सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।